आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 23 लिमिट्स, एक्सरसाइज है 29.10। अगला जो सवाल है इसमें है, आप देख रहे हैं 2 की पावर में दिख रही हैं चीजें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, ऐसी 4 को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, और 2 तो खैर 2 है ही। तो आप देखिए, एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि a की पावर b और उसकी पावर d, ये होता है a की पावर d की पावर b, मतलब आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं यहां पे, यही हम काम करेंगे। तो 8 को कैसे लिख रहे हैं? 2 क्यूब, उसकी पावर x, ये है माइनस 4 को लिख रहे हैं 2 स्क्वायर, उसकी पावर x, माइनस 2 की पावर x प्लस 1, नीचे आपका x स्क्वायर है, तो अभी x स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, पहले इसको बता दें न्यूमरेटर। तो आप क्या करेंगे, इस x को यहां ले आइए, 3 को यहां ले आइए, एक ही बात है। तो 2 की पावर x और क्यूब माइनस 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 2 की पावर x प्लस 1, न्यूमरेटर चल रहा है अभी। यहां पर आप क्या करिए, 2 की पावर x स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए, तो 2 की पावर x उसका स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 2 की पावर x माइनस 1 यहां बचा, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया 2 की पावर x और ये माइनस 1। अच्छा, अब ये 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए 2 की पावर x माइनस 1, और ये क्या हुआ 2 की पावर 2x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, या 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, इसको आप 2 की पावर 2x लिख लीजिए, बेहतर ही होगा। ओके, यहां तक पहुंच गए। अब आप देखिए हमारे पास क्या था, नीचे एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स इसके नीचे दीजिए, एक एक्स इसके नीचे दीजिए, हो गया एक्स स्क्वायर ले लिया। अब यहां क्योंकि 2 की पावर 2x है, और ये 2 की पावर 2x माइनस 1 है, ये जो है ना 2 की पावर 2x माइनस 1 है, तो माइनस 1 भी है। देखिए यहां क्या हो गया, a की पावर x माइनस 1 बाय x, और ये a की पावर x माइनस 1 बाय x, तो यहां 2 चाहिए आपको, 2x कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पे, क्लियर। अब यहां लिमिट लगा दीजिए एक्सटेंड टू जीरो, आपको लगाना क्या है, ए की पावर एक्स माइनस ए बाय एक्स लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, ये होता है आपका लॉग ए, तो यहां पर टू है तो लॉग टू, यहां आपका क्या है, यहां पर है टू, यहां भी लॉग टू ही आएगा, यहां भी लॉग टू ही आएगा, और ये टू है ही ऑलरेडी, तो एक टू तो या तो टू इसके साथ ले लीजिए या उसके साथ ले लीजिए। तो आप जानते हैं कि ए लॉग बी क्या होता है, log b रेज पावर है, ये पावर पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर, या 2 उसकी पावर पे आ जाएगा, ये कितना हो गया log 4 इंटू log 2, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल संख्या 8, इसमें है a की पावर mx माइनस b की पावर nx बाय x, तो इसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप, ताकि हम जो फॉर्मूला है वो लगा सके, तो की पावर एम एक्स है माइनस 1 करिए अपने आप, अपने आप कर दिया तो, और दूसरा क्या किया हमने, माइनस बी की पावर एन एक्स तो था ही, अब यहां प्लस 1 कर लीजिए, ये हो गया। अब क्या करिए, इसको ऐसे रखिए, न्यूमरेटर बता रहा हूं अभी, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ गया, नीचे आपका एक्स है, ये अलग अलग कर सकते हैं इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, यहां पर लगा दीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, यहां लगा दीजिए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। ओके, अब यहां पर क्या है, आपका एम एक्स है, तो आपको एम चाहिए यहां पे, तो एम आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर एन एक्स है, तो एन नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एन नीचे, एन ऊपर चाहिए आपको, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा ए की पावर एम एक्स माइनस 1 बाय एम एक्स, एम इंटू ये होगा लॉग ए माइनस, ये एन है, बी की पावर एन एक्स माइनस 1 बाय एन एक्स, ये क्या होगा, ये b की पावर x, तो ये होगा log b, ठीक। अब जैसे पिछले सवाल में किया था, इसको पावर में ले जाइए इसके, और इसको इसके पावर में ले जाइए, तो जगह log a की पावर m माइनस log b की पावर m, और आप जानते हैं log x माइनस log y क्या होता है, होता है log x बाय y, ऐसे होता है, तो इसको लिख सकते हैं अब log
ए की पावर एम बाय बी की पावर एम, ये आपका उत्तर आ जाएगा फाइनल। लॉग की आपको प्रॉपर्टीज में थोड़ी आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन और माइनस 3 बाय एक्स। ओके, यहां पर ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, माइनस 3 ना, तो माइनस 3 को हम लिखेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, एक इसके साथ लेंगे, एक इसके साथ लेंगे और एक इसके साथ लेंगे, मतलब हम लेंगे ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है 1 ले लिया, और प्लस बी की पावर एन लिखा, एक ये दूसरा वाला एन इसके साथ ले लिया, प्लस सी की पावर एन, एक एस वन इसके साथ ले लिया। तो आपका क्या बना, नीचे एक्स है ही तो अलग अलग कर लेते, इसके साथ एक्स, इसके साथ एक्स, इसके साथ एक्स। अब ये क्या हो गया, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एन है। अच्छा, इसमें सवाल में क्या दिया है, ये है x है, सॉरी ये x है, तो बस यहां पर लिमिट लगा दीजिए, अलग अलग इसके साथ लगा दीजिए, ये अलग अलग कर दिया मैंने, ये तीनों अलग अलग मानी है, ये अलग है, ये होगा आपका log a प्लस ये पूरा कितना हुआ log b, ये कितना हुआ log c, और आप जानते हैं log x इंटू प्लस log y कितना होता है, log बेस सेम होता log x y, तो सीधा log इसको लिखिए कि log, ये क्या हुआ a b c, a टू b टू c, ये बन जाएगा आपका ये। सवाल संख्या है 10, इसमें क्या है x माइनस 2 बाय लॉग ए। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, बेस दिया हुआ है a ऑलरेडी x माइनस 1, तो हमको क्या करना है, हम ये x टेंड्स टू 2 है तो x को आप लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, x को हम लिख रहे हैं 2 प्लस h, x को लेंगे 2 प्लस h, तो जैसे ही x को 2 प्लस h रखेंगे और x टेंड्स टू 2 है तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो x की जगह रख रहे हैं 2 प्लस h माइनस 2 और log a, x की जगह 2 प्लस h रख ले माइनस 1। अच्छा, आप ये ध्यान रखिए कि ये जो log x बेस होता है और y है, इसको हम लिख सकते हैं log y बाय log x और बेस e ले सकते हैं ना, ये बेस इसका x है, तो अगर हम e लेते हैं तो हम इसको इसको पहले e बेस और फिर डिवाइडेड बाय इसका बेस ले सकते हैं x, ऐसे ले सकते हैं, तो ये तो खैर 2 प्लस एच माइनस 2 तो ये तो h ही हो गया। नीचे वाले का बेस a है, बेस a है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिएगा कि 2 प्लस एच माइनस 1 ही है, तो 2 प्लस एच माइनस 1 कितना, 2 माइनस 1 हो गया 1, प्लस एच हो गया, तो आपका ये हो गया लॉग, ये पूरा 1 प्लस एच हो गया, ठीक है ये प्लस 1 प्लस एच है, तो आप कैसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई 1 प्लस एच बाय लॉग ई बेस और ये हो जाएगा ए, ये ऊपर चला जाएगा तो आप लगा दीजिए, कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है, लॉग बेस ई ए और यहां पर आएगा एच बाय लॉग बेस ई है, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर आप लगा दीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप जानते हैं log 1 प्लस x बाय x, log 1 प्लस x बाय x लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये पूरा हो जाएगा 1, यहाँ log बेस e a है, तो बेस लिखने की जरूरत नहीं, जब बेस e होता है सीधा ये log a आ जाएगा, ठीक ये है इसका उत्तर log a। नेक्स्ट है 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 3 बाय x, ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस माइनस 3 को हम लिखेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसके साथ इसको लेंगे 5 की पावर x माइनस 1, इसके साथ इसको लेंगे एक एक को, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x के साथ एक और लेंगे 2 की पावर x माइनस 1,
अब क्योंकि बेस x तीनों में है तो इसके नीचे x, इसके नीचे x, इसके नीचे x, प्लस चल ही रहा है, ये हो जाएगा लिमिट लगाएंगे, तीनों में लिमिट लगा रहा हूं मैं, लिमिट क्या लगा रहे हैं, x टेंड्स टू जीरो, लिमिट लगाते क्या आएगा, a की पावर x माइनस वन बाय x, ये log, ये फाइव हो जाएगा, प्लस ये log थ्री हो जाएगा और ये log टू हो जाएगा, है ना, फाइव इंटू थ्री टू हो जाएगा जैसे मैंने पहले बताया था, तो फाइव इंटू थ्री और फिफ्टीन, फिफ्टीन इंटू टू आपका थर्टी, लॉग थर्टी आ गया, बेस ही है, ये आ जाएगा, अगला बारहवां क्वेश्चन है, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, ए की पावर वन बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स और लिमिट है एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसमें ये वन बाय एक्स एक्स दिख रहा है तो क्या करें, पहले ये एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी को थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक्स की y को रख दीजिए वन बाय एक्स, क्यों ऐसा रखा, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो वन बाय इंफिनिटी कितना होगा जीरो, तो y टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो वन बाय y को वन बाय एक्स रखेंगे, तो a है ये वन बाय एक्स को हमने y रख दिया माइनस वन, और इस x को क्या लिखा x, क्योंकि y वन बाय एक्स है तो x कितना हो जाएगा वन बाय वाई, तो एक्स वन बाय वाई, तो y नीचे आ जाएगा और लिमिट y टेंड्स टू जीरो हो गया, बस फॉर्मूला बन गया, एक ही पावर वाई माइनस वन बाय वाई, ये होता लॉग a y टेंड्स टू जीरो है, लॉग ही आ जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये है 30, इसमें क्या क्या कहा गया है, ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन एक्स बाय साइन के एक्स, साइन के एक्स, तो इसको जरा अलग अलग करते हैं ना, पहले में लिखेंगे ए की पावर एम एक्स माइनस वन माइनस बी की पावर एन एक्स और प्लस वन, ये वन वन हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है ताकि वन वन कैंसिल हो जाए, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक कोई x होना चाहिए ताकि हम इसमें कुछ कर सकें, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, a की पावर एम एक्स माइनस वन और माइनस बी की पावर एन एक्स माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको हम अपने आप डिवाइड कर रहे हैं x से और नीचे साइन के एक्स ऑलरेडी था, तो जब हम x यहां डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा x को, है ना, जरूरी है, वरना ये जो फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, तो x को डिवाइड किया, इससे फायदा क्या हुआ, यहां पर हम k लगा दीजिए और यहां पर k लगा दीजिए और इनको अलग कर दीजिए, इनको अलग कैसे, a की पावर एम एक्स माइनस वन बाय एक्स और माइनस a की पावर b की पावर एन एक्स माइनस वन बाय एक्स, अब क्योंकि यह x है यहां n है तो n से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर क्या है m है तो m यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, m यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब लगा दीजिए लिमिट, लिमिट लिमिट क्या लगा रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, और नीचे भी लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लगा रहे हैं कि बाहर है ही लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, समय एक्सटेंड्स टू जीरो लगा रहे हैं, ये साइन के एक्स बाय के एक्स कितना होता है, साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है, ये वन, ये पूरा वन हो जाएगा एक्सटेंड्स टू जीरो, तो नीचे केवल के आएगा, ऊपर देखिए ये हम तो बाहर बाहर कर लीजिए, आप यहां पर है ए की पावर एम एक्स बाय एम एक्स माइनस वन, यानी कि लॉग एम, लॉग एम हो गया, लॉग ए सॉरी लॉग ए माइनस ये एन है, ये एन यहां बाहर ले लीजिए, अच्छा बी की पावर एन एक्स माइनस वन बाय एन एक्स कितना होगा, लॉग बी, क्योंकि ये तो सेम है, ये होगा लॉग बी, ओके अब एक काम करिए, ये जो इसको है इसके पावर पे ले जाइए, ये बनेगा लॉग ए की पावर एम माइनस, इसको इसकी पावर पे ले जाइए, ये क्या बनेगा लॉग बी की पावर एन, और नीचे आपका आ गया, अभी इसको और भी कर सकते हैं, वन बाय के को अभी बाहर छोड़िए, ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बना, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है लॉग एक्स बाय वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए की पावर एम बाय बी की पावर एन, और के आपका यहां पर है, तो वन बाय के कर दीजिए, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका था 13वां क्वेश्चन, अगला है 14th क्वेश्चन आपका, इसमें a की पावर x, की पावर x, b की पावर x, माइनस c की पावर x और d की पावर x, तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये a की पावर n है, ये a की पावर x है, इसे माइनस वन करिए, प्लस ये b की पावर n है, यहां आप माइनस वन करिए,
माइनस सी की पावर एन है, इसमें माइनस आपको प्लस चाहिए तो प्लस वन करिए इसमें, और ये है माइनस डी की पावर एन, ये वाला यहां पर भी प्लस वन कर दीजिए। इसको हमने क्यों किया बताता हूं आपको, एक्स सबके नीचे है ठीक है, तो इसके नीचे एक्स, इसके नीचे एक्स, इसके नीचे एक्स, इसके नीचे एक्स, कर सकते हैं आप। ये तो बनेगा ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन बाय एक्स, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, ये होगा सी की पावर एन माइनस वन बाय एक्स, यहां भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस, ये होगा डी की पावर एक्स है सब एक्स एन कुछ भी नहीं है माइनस वन बाय एक्स। अब लगा दीजिए क्योंकि यहां एक्स ले लिया था, अब लगा लीजिए सब में लिमिट, सब में लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, लिमिट, और सारी लिमिट क्या होगी एक्स टेंड्स टू जीरो, सब में यही मान के चलिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग ए प्लस ये करेगा लॉग बी, ये क्या बनेगा माइनस लॉग सी, और क्या बनेगा माइनस लॉग डी। तो लॉग इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यहां पर कॉमन लेके इसको प्लस कर सकते हैं अंदर, ऐसे हो जाएगा लॉग ए और लॉग बी, लॉग ए बी माइनस लॉग सी लॉग डी, ये लॉग सी डी, अब क्योंकि लॉग सी माइनस लॉग डी है तो आप डिवाइड कर सकते हैं लॉग ए बी बाय सी डी। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए लॉग की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या है, e की पावर x माइनस वन प्लस साइन x बाय x, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ x ले लीजिए, इसके साथ x अलग ले लीजिए, यानी e की पावर x माइनस वन बाय x प्लस साइन x बाय x, और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, आप जानते हैं e की पावर x माइनस वन बाय x क्या होता है, वन होता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है यहाँ क्या बनेगा साइन x बाय x, ये भी वन होता है, x टेंड्स टू जीरो तो वन प्लस वन टू आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है 16, इसमें कहा गया है साइन टू एक्स बाई की पावर एक्स माइनस वन, बिल्कुल सेम काम करेंगे, ये आपका साइन टू एक्स है और इसके नीचे आप अपने आप टू एक्स लगा लिए, अपने आप टू एक्स लगा लीजिए, बल्कि अभी एक्स लगाइए बताता हूँ टू एक्स कैसे आएगा, नीचे क्या है की पावर एक्स माइनस वन, तो क्योंकि यहाँ एक्स नीचे लगा है तो यहां भी लगा सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बात है। अब क्योंकि यहां पर टू है तो आपको यहाँ टू चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई करिए, टू से यहाँ नीचे, टू से यहाँ, अब लिमिट लगा दीजिए इसमें, ये साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा वन, ये वन हो गया, टू बचा केवल, और ई की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा वन, टू बाय वन, टू आएगा इसका आंसर के लिए। ओके, ये जो 17 सवाल है इसको हम लेते हैं अगली बार, तो अगले शुक्रिया, मेहरबानी आप सब।